बैंक निफ्टी यहाँ पे इसी रेंज में रह गया और आज एक्सपायरी डे था, तो नॉर्मल एक फिगर पकड़ते हैं, जैसे 42,500 को ही पकड़ लेते हैं। ये आउट द मनी किसका है? सीई का, यानी कि 42,500 सीई आउट द मनी, यानी कि आज के दिन ये क्या हो जाना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए। तो 19 तारीख है ना आज, 19 जनवरी को अगर एक्सपायरी को देखेंगे, तो यहाँ पे जब हम लोग चार्ट को ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो, यानी कि मॉर्निंग में इसका वैल्यू जो भी होता डे एंड तक है ना, यानी कि जब मार्केट क्लोज होगा तो उसका वैल्यू चाहे जो भी रहे, अगर वो आउट द मनी में रहेगा तो जीरो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ यही स्ट्राइक प्राइस नहीं, यहाँ पे देखेंगे 42,300 को देखेंगे तो 27 रुपीज चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये तो एट द मनी रह गया, लेकिन आउट द मनी जितना भी है सब जीरो हो गया है, जितना भी था सारा का सारा क्या हो गया, यहाँ पे आउट द मनी जीरो हो गया है। तो यानी कि अगर एक ऑप्शन बायर आउट द मनी में आज ट्रेड लगाता और डे एंड तक होल्ड करता, तो उसका प्रीमियम जो भी होता, हो सकता 42,400 का प्रीमियम चल रहा था 50, 42,500 का चल रहा था 40, और 42,600 का चल रहा था 30, चाहे जो भी चल रहा था, लेकिन डे एंड में सब बराबर हो गया। जो ज्यादा पैसा दिया उसका भी गया, जो कम दिया उसका भी गया, मतलब सब जीरो हो गए। ये सारा फायदा कौन लेके जाता है? एक ऑप्शन सेलर्स। अभी हम लोग ऑप्शन बाइंग के बारे में जो सीखे थे, अब हम लोग ऑप्शन सेलिंग की तरफ